कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मटन कोरमे की रेसिपी। ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस मटन कोरमा है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। ये मैंने इसके लिए ले लिया है 1 किलो मटन लिया है मैंने, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। इसको करना है गोल्डन ब्राउन। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये मैंने लिए हैं काजू, 8 से 10 काजू हैं, थोड़ा टूटे हुए थे तो ये 8-10 काजू हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है खसखस, 1 चम्मच शाहदीरा और 3 से 4 इलायची। इसका बनाना है एक पेस्ट। ये देखिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें प्याज को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को बराबर चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से हर तरफ पे गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए प्याज को मैंने प्लेट में फैला के रख दिया है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी तो इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और कोरमे के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। ये लिया मैंने 1 टीस्पून जीरा, 10 से 20 काली मिर्च, ये 10 से 20 काली मिर्च है, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच सौंफ है और ये 4 से 5 लौंग। इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। ये कोरमे में मेन होता है मसाला। तो ये देखिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैंने वही ऑयल डाला है जिसमें मैंने फ्राई ओनियन को फ्राई की थी। मैंने 1 कप ऑयल डाला है इसमें। तेल हो गया अच्छे से गरम, इसमें डाल देंगे मटन। बस पहले इसमें डालेंगे तेज पत्ते और इसमें डालेंगे मटन। मटन को अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। तो देखो मैंने मटन को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अब इसको करना है अच्छे से मिक्स। इसको डाल के भी अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने कोरमा मसाला तैयार कर लिया है। इसको साइड में निकाल देंगे। आधा मसाले में डालेंगे मटन में, आधा ऊपर से गार्निश के टाइम डालेंगे। और फिर से मैंने वही जार ले लिया है। बाकी जो मैंने मसाले लिए हैं ये सबको भी इसका एक पेस्ट तैयार करना है। ये जो तली हुई प्याज है इसको आधी जो है इसी में डाल के पेस्ट तैयार कर लेना है। आधी हल्की क्रश करके डालना है दही के साथ। देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तेल और मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखिए अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और ये जो मसाला तैयार किया था कोरमे का इसको आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल देंगे जिसमें मटन अच्छे से पक जाए। मैं 1 कप पानी डाल ली हूँ, अगर आपको लगे कम है तो आप और भी डाल सकते हो। इसको 10 से 15 मिनट पका लेंगे। इसमें लिड लगा देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। ये देखिए मैंने 2 टीस्पून चारमगज लिया है और 2 टीस्पून नारियल। इसको भी पेस्ट तैयार कर लेंगे इसी में डालकर। इसी में इसको मिक्स कर लेंगे, इसको एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ग्रेवी
में थिकनेस बढ़ती है इससे। तो ये देखिए कोरमे का शाही मसाला हो चुका है बिल्कुल तैयार। देखिए एक कटोरी में लेंगे 2 से 3 चम्मच दही, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो प्याज थोड़ी मैंने बचाई थी इसको हल्का क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मैम दस्ते में डाल के कूट भी सकते हैं इसको, लेकिन ये इतनी कुरकुरी है कि हाथ से ही क्रश हो जा रही है। ये देखिए मैंने फ्राइड ऑनियन को दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। मैंने इसकी स्टीम निकाल दी थी। देखिए इसमें गोश्त अभी पका हुआ नहीं था, मैंने 1-2 स्टीम इसमें और लगा लिया है। इसका गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसकी भुनाई कर लेंगे, अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे। देखिए मसाला ड्राई हो रहा है, इसमें डाल देंगे काजू का पेस्ट। इसको करना है अच्छे से मिक्स। ये देखिए इसको चलाते हुए भूनना है, नहीं नीचे से लगने लगेगा मसाला। अब इसमें डालेंगे प्याज और दही का पेस्ट। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ की टमाटर, उसको मैंने पेस्ट पर तैयार कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। इससे थोड़ा अच्छा कलर इसका आ जाएगा। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारा। ये मटन कोरमा बिल्कुल हो चुका है रेडी। चलिए इसको कर लेते हैं सर। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही लाजवाब सा मटन कोरमा तैयार हुआ है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए मटन कोरमा हो चुका है तैयार। इसको आप सर्व कर सकते हैं रुमाली रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर बिरयानी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।